हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल और वेलकम टू माई चैनल। सो गाइज, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके पास जो बेल आइकन है प्लीज उसको भी हिट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है तो प्लीज कर दीजिएगा। सो गाइज, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ mCaffeine नेकेड एंड रॉ कॉफी फेस स्क्रब का। mCaffeine नेकेड एंड रॉ कॉफी फेस स्क्रब, इसके बाजू में यह लिखा हुआ है कॉफी विद विटामिन ई। इसमें विटामिन ई है जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए, लाइक नॉर्मल कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन वाले इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इस पे क्वांटिटी लिखी हुई है कि कितना प्रोडक्ट अपन को मिलता है। सो इसमें मिलता है अपन को 100 ग्राम प्रोडक्ट, राइट। तो इसका जो प्राइस है गाइज वो है 349, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो है 2 ईयर्स की, तो 2 साल में आपका एक्सपायर हो जाएगा ये प्रोडक्ट। और आप इसको एक ही मंथ में यूज कर लेंगे तो 2 साल तक तो ये बचने वाला भी नहीं है। एंड इसके बैक पे लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट्स इसके और इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं जो कि स्किन में बहुत अच्छा सा ग्लो लाते हैं, लाइक इसमें ग्लिसरीन है, एप्रिकॉट एक्सट्रैक्ट है, कॉफी एक्सट्रैक्ट है, रोज वाटर है और एलोवेरा जेल है। काफी इसमें चीजें हैं जो स्किन को बहुत ग्लोई और बहुत हेल्दी बनाएगा। नेक्स्ट इसमें डायरेक्शन ऑफ यूजर्स लिखा हुआ है, हम किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो क्लीन फेस, फेस वॉश करने के बाद क्लीन फेस पे अपन को इसको अप्लाई करना है, अच्छे से मसाज करना है 1 मिनट तक, 1 मिनट बाद इसको धो लेना है ठंडे पानी से, हम उसको वॉश करना अपने फेस को। अपने फेस को वॉश करने के बाद अपने टावल से इसको अच्छे से डैप करते हुए आपको पॉश लेना है। उसके बाद आप इस पर कोई भी लाइट वेट क्रीम अप्लाई कर सकते हैं या फिर कोई भी जेल अप्लाई कर सकते हैं, और इसको आप हफ्ते में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। इस पर लिखा हुआ है बहुत अच्छा सा आपको ये ग्लो प्रोवाइड करेगा। ओके, तो हमने बात कर ली इसके फ्रंट और बैक की, अब बात कर लेते हैं इसके साइड में। तो इसमें साइड में लिखा हुआ है कि कॉफी ही क्यों हमने यूज किया बेसिकली। तो कॉफी क्या करता है, एक्सफोलिएट करता है डेड सेल को, और जो आपके पफीनेस हो जाती है आइस के अराउंड उसको भी रिड्यूस करता है। उसके बाद जो इसमें कैफीन है वो क्या करेगा कि ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करता है, और उसके बाद क्या होता है कोलाजन प्रोडक्शन होता है, और उसके बाद रीजनरेट होते हैं अपने डेड सेल्स जो होते हैं वो रीजनरेट, डेड सेल एक्सफोलिएट हो जाते हैं, उसके बाद जो सेल्स होते हैं वो रीजनरेट होते हैं, और उसके बाद क्या होता है आपकी स्किन में बहुत अच्छा सा ग्लो आता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ है कि SLS फ्री है, डर्मोलॉजिकल टेस्टेड है, क्रुएलिटी फ्री और पैराबिन फ्री है। क्रुएलिटी फ्री मीन्स कि एनिमल पे टेस्ट नहीं हुआ है। तो बात कर लिया हमने इसकी। अभी तो लिखा हुआ है कि इंडिया फर्स्ट कैफिनेटेड पर्सनल केयर ब्रांड, तो ये इंडिया का ही प्रोडक्ट है, इंडिया में ही बना हुआ है, तो ये इंडिया का ही ब्रांड है बेसिकली। अब बात कर लेते हैं इसके इनर पैकेजिंग की, तो इनर पैकेजिंग भी बिल्कुल सेम सी है, लाइक ट्यूब पैकेजिंग है वैसे तो, बट इस पे सब कुछ सेम लिखा हुआ है, जो भी है लाइक इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब कुछ मेंशन है, ट्यूब पे भी सब कुछ मेंशन है, और इसके जो आउटर पैकेजिंग है उस पे भी सब कुछ मेंशन है। अब बात कर लेते हैं इसकी फ्रेग्रेंस की, तो गाइस इसकी बहुत ही लाइक जो इसका बॉडी बटर है उसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसको लाइक मैंने जहां मेकअप कलेक्शन है मेरा वहां स्टोर कर रखा है, तो पूरे मेकअप कलेक्शन में बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस हो गई है, और ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई कॉफी रख रखी है वहां पे, तो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। बट इसमें इतनी ज्यादा स्ट्रांग फ्रेग्रेंस नहीं है, बहुत लाइट फ्रेग्रेंस है, बहुत ही अच्छी है। सो गाइस, जब बात कर लेते हैं कि इसमें किस टाइप के पार्टिकल है, तो इसमें बहुत ही थिन पार्टिकल है, थिन एप्रिकॉट पार्टिकल्स है। कुछ ऐसे स्क्रब होते हैं जिसमें बहुत थिक पार्टिकल्स होते हैं, तो जब आप स्क्रब करते हैं तो आपके पूरा फेस जो होता है वो रेड हो जाता है, रेडनेस आ जाती है, तो वो बहुत बेकार होता है। और ये जो है इसमें बहुत ही थिन पार्टिकल्स है गाइस, बहुत ज्यादा थिन है, बहुत अच्छा है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है मैंने ऐसे सोचा था कि ये डार्क ब्राउन में होगा, बट ये लाइट ब्राउन में आप देख सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आप फेस वॉश कर लीजिए, फेस वॉश मैं कर चुकी हूँ, अब मैं अपने फेस को थोड़ा वेट कर लूंगी, तो इस टाइप से हल्का सा वेट कर लूंगी मैं। एंड अब सर्कुलर मोशन में आपको स्क्रब करना है, आप जैसे करते हैं, आप जैसे हाथ चलाना पसंद करते हैं आप उस टाइप से अपने हाथ को चला सकते हैं अपने फेस पे। तो सर्कुलर मोशन में बेसिकली हमको चलाना है, तो अच्छे से मसाज करनी है आपको, जिससे कि ब्लैक हेड व्हाइट हेड सारे रिमूव हो जाए और फेस आपका बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए, पोर्स भी आपके क्लीन हो जाए अच्छे से। मैंने
अच्छे से मसाज कर लिए हैं। आप जैसे आपको पसंद है आप उस टाइप से मसाज कर सकते हैं, और बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहिएगा, जिससे क्या होता रहेगा कि ड्राई फील नहीं होगा आपको और अच्छे से स्क्रब हो जाता है। तो अब मैं इसको वॉश कर लूंगी। मैंने फेस वॉश कर लिया है। अब जैसे मैंने कोल्ड वाटर से फेस वॉश किया था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी आइस अप्लाई कर लूंगी। इससे क्या होगा कि पोर्स क्लोज हो जाएंगे, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, आइस अप्लाई कर लीजिए उसके बाद। तो जस्ट आपको आइस पार्टिकल लेना है और सर्कुलर मोशन में उसको अप्लाई करना है। कर लिए। अब आप क्या कर सकते हैं, कोई लाइट वेट मॉइस्चराइजर या फिर एलोवेरा जेल, बैम्बू जेल, कोई भी जेल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पतंजलि का एलोवेरा जेल अप्लाई करूंगी। एलोवेरा जेल मैं फ्रीज में ही स्टोर करके रखती हूँ, तो काफी अच्छा रहता है। सो गाइस, मैंने एलोवेरा जेल लगा लिया। अगर आपके फेस पे हल्की फुल्की रेडनेस आती है तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो आती है स्क्रब करते हैं तब, तो इतना चलता है। अगर ज्यादा रेडनेस आती है तो उसके बाद उसको अप्लाई मत करना, क्योंकि वो आपकी स्किन को सूट नहीं होगा। और कोई भी आप नया प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसका पैच टेस्ट जरूर कर लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि आपको वो सूट करेगा या नहीं करेगा। गाइस, अब बात कर लेते हैं कि मुझे प्रोडक्ट कैसा लगा। तो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, इससे मेरे व्हाइट हेड ब्लैक हेड रिमूव हुए हैं। और कॉफी तो आपकी स्किन के लिए वैसे ही बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड करती है। तो ये ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पास इसका बॉडी बटर भी और बॉडी स्क्रब भी, अगर आपको उसका भी रिव्यू चाहिए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। गाइस, ओवरऑल प्रोडक्ट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं, मैं सबको रिकमेंड करूंगी। सो गाइस, चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सो यस, तो चलिए मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और बाय बाय, टेक केयर।